हमारे दरमियान मौजूद हैं प्रोफेसर हकीम मुनीर अहमद शकूरी साहब, मैं उनसे मुख्तलिफ हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और मुख्तसर वक्त में अपना मतमा नज़र पेश करें। मोहतरम प्रोफेसर हकीम मुनीर अहमद शकूरी साहब, والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد والذين دعوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم معزز محترم حاضرين وسامعين حضرات بالخصوص محترم शहजाद जावेद साहब और दीगर दूर नज़दीक से आए हुए दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज ये जो बज़म सजी है, बहुत सारी बातें मदरूल मकाम जनाब हकीम लुत्फुल्लाह साहब ने भी आपसे कही है। हकीकत बात इस आयत कुरानी की मुनासिबत से अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सआदत नसीब है कि हम अपने अकाबर मुसलमानों के इसार सवाब के लिए दाहे बताए वक्तन फ़वक्तन इसार सवाब का एहतमाम करते हैं। ये कुरान करीम कुरान रशीद की रोशनी से मुसलमान का शेवा है कि वो अपने अकाबर मुसलमानों के लिए अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ मफ़रत करें और कोशिश करें कि उनकी नेकियों को अपनाकर नेकी की राह पर चलने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अतिबाए कराम की इस लिस्ट के अंदर कबीलों की सफ के अंदर खड़ा किया। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अकाबर की खूबसूरत ज़िंदगी की मुनासिबत अल्लाह के हुजूर सजदा रेजी करने वाले, आहो जारी करने वाले और उससे हिकमत और दानाई की नेमतों को मांगने के साथ साथ शिफा याबी की दुआ मांगने वाले बन जाएं। हमने जो कुछ पढ़ा बिलखसूस हकीम अकबर खान साहब और दिगर अतीफ़ा कराम की मुनासिबत कि वो लोग शब्बेदार लोग थे, वो लोग शब्बेदार लोग थे, अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिद्दत से मोहब्बत करने वाले लोग थे। खल्क़े खुदा के लिए वो बेताब हो जाते थे जब उनके पास कोई मरीज आता, उसके लिए कोशिश करते और अल्लाह के हुजूर दुआ करते कि या रब्बुल इज़्ज़त इसको तूने भेजा है, तेरा बंदा है, परेशान हाल है, मैं तेरा एक नाचीज़ बंदा हूँ, लेकिन तूने मुझे इस हक की नेमत बख्शी है, मेरे अल्लाह अपने आजिज़ और मस्कीन बनने की लाज रखते हुए मुझे इस बंदे की मर्द की पहचान भी अता कर, उसके लिए दवा भी तजवीज़ कर दे और शिफा याबी का असर भी अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के हाथों में शिफा रखी थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक हकीम दोस्त मोहम्मद साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के इस नज़रिए की बात है तो ये हकीकत बात है कि उन्होंने हमारे लिए आसानी का रास्ता तलाश किया है। वो कोई अलग से तिब नहीं है, वो इसी तिब का हिस्सा है, वो इसी का निज़ाम है, वो इसी का निचोड़ है कि जो हमें काजी को अंदर पढ़ाया जाता है उस सारी नफ्स को उन्होंने बहुत जोहर निकाल कर इन छः हिस्सों के अंदर हमें जाहिर कर दिया। तशखीस आसान तर कर दी, नबज की पहचान आसान तर कर दी और ये बात मैं बरमला कहता हूँ दोस्तों से कि सिर्फ नज़रिए का होना काफ़ी नहीं, पारिक से मुस्तनद तबीब भी पढ़ना ज़रूरी है और एनाटॉमी फिजियालॉजी कानून मुफरद अदा के साथ बुनियाद कानून और इलाज मुआजा शरा सबाब तिब अकबर ये वो हमारे अकाबर का सरमाया है कि इसको जो मुतालिया करने वाला है वो किसी जगह पर किसी मरीज के निज़ाम में परेशान हाल नहीं होता। हकीम मोहम्मद यासिन चावला साहब
हकीम मंजूर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर हकीम हबीबुल्लाह साहब और पाकिस्तान साहब पतन शरीफ सर जमीन के बहुत सारे अकाबर ऐसे तबीब हैं कि जिनकी जिंदगियां ऐसी जिंदगियां हैं कि दूर दराज से मरीज उनके पास आते थे कि फलां हकीम साहब के पास जाना है क्योंकि अल्लाह पाक ने उनके हाथ में शिफा रखी और मैं उनके पास से दवा लेता हूँ, दो या तीन खुराकें खाता हूँ और अल्लाह पाक मुझे शिफाया फरमा देता है। तो ये दर हकीकत क्या है कि उस हकीम की अल्लाह के हुजूर में कुर्बत का निज़ाम, हमें भी वो निज़ाम हासिल करना चाहिए। नादाम ज़िंदगी के साथ साथ नमाज तहज्जुद की दो रकअतें ज़रूर और उसके हुजूर में दो आंसू ज़रूर बहाने की कोशिश कीजिए और अल्लाह के हुजूर में इस फन की जो हकीकत है उसकी गहराई तक पहुँचने के लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला शानहू ने जो कुरान के अंदर हमें फरमाया इसकी तरफ हमारी रहनुमाई है, पालू सुभानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो उन्होंने पालू कहा सुभानका पाक है तेरी जात, ला इल्मा लना हम कुछ इल्म नहीं है, इल्ला मगर मा 'अल्लमतना जो तूने हमें अता किया, या अल्लाह हमें तो कुछ मालूम नहीं है ये किस मर्ज में मुबतला है, लेकिन तेरा करम सामने हाल हो, तेरी मेहरबानी सामने हाल हो, मेरे अल्लाह तेरा बंदा परेशान है, मैं इसके लिए कुछ खिदमत कर सकूं। तो खिदमत की नज़र से जब कोई वारिज अपने मतलब में बैठता है खाल के करीम उसकी रहनुमाई भी फरमाता है और उसकी दो चंद बातों से मरीज आधे से ज़्यादा शिफायाब हो जाता है, बाकी दो चार खुराकें जो देता है अल्लाह उससे भी शिफायाब अता फरमा देता है। मेरे अजीज दोस्त अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त हकीम साहब के दरजात को बुलंद फरमाए और उनकी अच्छाइयों और उनकी बेहतरीन जिंदगी को हमें अपनाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हमारे यहाँ प्रोफेसर हकीम मुनीर अहमद शकूरी साहब फरमा रहे थे। हाजरीन मोहतरम, यकीन जानी है कि आज हमारा यहाँ जमा होना मोहतरम हकीम मोहम्मद यासीन चावला साहब और हकीम हबीबुल रहमान हबीबुल्लाह साहब उन पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये हमारा खुद पे एहसान है कि हम अपने आप को उन अजीम लोगों के साथ मुंसलिक करके कुछ मकाम अपना बुलंद कर रहे हैं। हमारे दरमियान हमारे आज के मेहमान खुसूसी मेंबर नेशनल काउंसिल थे मोहतरम हकीम शहजाद जावेद साहब मौजूद हैं, मैं उनसे मुल्तमी सुनकर तशरीफ लाए और अपने कीमती अल्फाज से नवाजें मोहतरम हकीम शहजाद जावेद साहब। पाक पत्र में उसका हिजाब हुआ तो वो पाक पत्र में
हमारे पाकिस्तान के भी काफ़स के पानियों में से एक थे और हकीम हबीबुल्लाह साहब मेरा पिछले तकरीबन 7-8 साल से बहुत उनका तल्लक रहा। मैं जब भी पाक पत्र में आता सबसे पहले जहाँ पर कोई फंक्शन हो या कोई सेमिनार हो कोई भी मुलाकात हो वैसे भी आना जाना हो सबसे पहले मैं हकीम हबीबुल्लाह साहब के पास आता था, उनके उनसे मशवरे लेता था। वो बहुत तनहा आदमी थे, इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान थे, लेकिन जब मैं आज आया तो यकीन जाने कि मुझे इतना खुश हुआ। बाहर बातें मैंने बहुत करने से अल्लाह ताला उनको मकसद फरमाए हकीम साहब के और उनके जुलवा तीन हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, बच्चियाँ हैं, अल्लाह ताला उनको जब जमीन का फरमाए कुल्लू नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत। जब हम ये बात सुनते हैं तो हर चीज़ पर पीछे हो जाती है, अपने प्यारे हो जो भी हो फिर अल्लाह के रज़ा के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है। आज ये भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं और हकीम हबीबुल्लाह साहब का मैं आपको थोड़ा वाक्य बताता हूँ। उतने ईमानदार शख्स थे कि वो अक्सर लोग मोहब्बत करते थे, कोई रजिस्ट्रेशन के द्वारा कोई एडमिशन द्वारा चले जाते थे उनके पास कि शराब साहब का बहुत अलग उनके साथ है, इस पे आप जाते थे। हालांकि हकीम साहब को कोई लालच नहीं होता था कि मैं उससे ले रहा है या उससे ले रहा है, ये हो गया वो बंदे इंतहाई ईमानदार। जैसे कोई चीज़ आ रही रजिस्ट्रेशन की कोई भी मामला होना उन्होंने इधर फीका लेने ऐसे भेज देना। एक दिन वो उनका आया नुमाइंदा तो यकीन में तमाम हो गया, उसमें 3,000 का एक्स्ट्रा आ गया। तो जब 3,000 का एक्स्ट्रा आ गया तो मैंने उनसे फ़ोन किया कि सर ये आपके 3,000 का अगर ज़्यादा आ गया इसका क्या कर रहे हैं। वो कहते यार ये आप कागज को डोनेशन कर ये वापस से मैंने लड़े ना किसी के इसको अपने कॉम्रेड इसमें कर रहे हैं, ये कॉलेज को मैं डोनेट कर दिया। इतने शरीफ इंसान थे तो मैं आज उनको पाक पत्र में अपने आप को बड़ा अकेला महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और हमको भी उनकी जानकारी से चलने की तौफीक का फरमाए। हाजरीन मोहतरम, हम अपने बुजुर्गों सर्वसालीन का जिक्र करते हैं, उनकी खिदमात का जिक्र करते हैं, तो उनकी खिदमात का जिक्र करते हुए हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके नक्शे कदम पर चलें, उनकी तालीमात जो उन्होंने हम तक पहुंचाई उनको आगे बढ़ाएं, ना सिर्फ के अपने तक महदूद रखें। और मैं कहा करता हूँ कि अगर दिन के अंदर नुस्खे छुपाना, इलम को अपने शागिर्दों से, अपने मरीजों से, दूसरे लोगों से छुपाना, अगर ये आदत ना होती तो आज यकीन जानिए कि तिबी एलोपैथिक या तिबी होम्योपैथिक की ज़रूरत ही पेश ना आती। ये हम आपके सामने हैं कि सर्जरी के मुतालिक जितनी भी इब्तदाई आलात हैं वो किसने ईजाद किए, हुकमान हैं। इन्फ्यूजन का जो सिलसिला है वो किसने ईजाद किया, हुकमान हैं। टेस्ट करने के जितने भी आलात इब्तदाई हैं वो सब हुकुमा ने तैयार किए, ईजाद किए, पेश किए। और जब हमने अपनी रिसर्च का सिलसिला रोक दिया, खला पैदा हुई, तो अल्लाह ताला का ये वादा है कि आप अच्छे काम नहीं करोगे
अच्छे तरीके से नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारी जगह पे एक नए ग्रुप को लेके आऊंगा जो तुमसे बेहतर होगा। अगर हमने अपने उस गुमगश्ता खजाने को दोबारा हासिल करना है तो हमें इलम की तरफ लौटना होगा। हमारे दरमियान एक इंतहाई इल्मी शख्सियत, रूहानी शख्सियत मौजूद है, मोहतरम हकीम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद जाहिद फजली साहब। मैं उनसे मुल्तमीस हूँ तो तशरीफ लाएँ और अपने खिताब से नवाजें। मोहतरम हकीम मुफ्ती मोहम्मद जाहिद फजली साहब। लेकिन जाते हुए फिर मैंने उनसे ये कह दिया, क्योंकि
मैं मजबूर था इस बात को कहने में। मैंने कहा नहीं कीमिया और सीमिया और हीमिया निस्त हासिल जुज बजते रोलिया कि आप शमस बनाएं या कमर बनाएं या ये तवज्जो से तसरुफ करें तो ये बगैर वलायत के नहीं हो सकता। मुझे कहने लगे सही है बात आपकी लेकिन चलो देखते हैं। आप जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ इसके बाद वो ये है कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे हैं कि जो इस तरफ जिनको ये रगबत थी इस तरफ गए हैं तो बाकी चीज़ों से रह गए। आप भी जानते हैं जो इस तरफ जाता है वो सारी ज़िंदगी तांबे का कुश्ता बनाता रहता है लेकिन बन नहीं पाता, बनता तो काम नहीं करता, कच्चा होता है, पुख्ता नहीं होता, गंदक को नहीं पकाता, तेल को कह रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन हकीम साहब का उनको ये देख लें आप कि इस कदर रगबत के बावजूद भी वो अपने काम से नहीं हटे, यानी जो उनका फिर की फिक तफक्को और पढ़ाने का लिखने का उसमें से उसका मर्ज निकालने का उसका जौहर निकालने का और दिन को एक इल्म के तौर पे समझने का जो एक फन है वो इसका उस रगबत के बावजूद भी खत्म नहीं हुआ, ये क्रेडिट लेकिन जामा साहब हो जाता है। वरना 100 में से 90 लोग ऐसे हैं हुक्म आप जो इस तरफ गए हैं तो वो बाकी चीज़ों से रह गए लेकिन जामा साहब इस तरफ अगर गए भी हैं तो बाकी चीज़ों से रह नहीं गए, उन्होंने उनको भी पूरा करके दिखाया। आखिर में मैं अर्ज करता हूँ एक साहिब हिदाया का एक शेर है तो यह है कि इंदर उस्ताद और तबीब किला हुआ ला यंसहानी इज़ाम चुप रहा कि उस्ताद और तबीब ये दो लोग ऐसे हैं कि अगर इनकी इज्जत ना की जाए तो इनका खैर नहीं मिलता। और दूसरा मिसरा यह है फम रब इन जफौत तबीबन फज हल इन जफौत मौलमा तो हमेशा मरीज ही रहेगा अगर तबीब से जफा करेगा और तू हमेशा जाहिल ही रहेगा अगर तू उस्ताद से जफा करेगा। मैं कहता हूँ कि चावला साहब बयक वक्त तबीब भी थे और बयक वक्त उस्ताद भी थे। इसलिए जो आदमी भी इस दुनिया में आया है जाहिर है उसका जौहर तो नूरी है और नूरी जौहर अपने बदन को लौट जाता है और मिस्कीन मट्टी में मुसीदा हड्डियाँ हो जाता है लेकिन कुछ सिफ्तें बारह बंदों में ऐसी होती हैं जिनको वही पहचानते हैं जो खुद साझे सिफात होते हैं। हकीम लुतफुल्लाह साहब ने हमारे साथ शामी साहब ने सारे मैं तो उनके बचपन में बहुत मेरी कम थी जब मैं उनको बतौर हकीम देखा करता था हमारा तो इलाज किया करते थे हमारे भाई के बुजुर्ग जो हैं बचपन में तो उनके सामने खड़े होकर मैं मतलब इस बात पे अगर रोशनी डाल रहा हूँ तो ये भी किसी हकीम और तबीब का ही फैज है। वरना ऐसा मुमकिन नहीं था कि मैं आपके सामने वो शेर भी पढ़ूँ और वो मुझसे पूछने आए कि उसका इलाज क्या है, उसके अज़ा कौन कौन से हैं और इनके अंदर कौन से तीन अज़ा हैं कि जिनको मिलाने से मेरा काम हो जाएगा। काम हुआ या नहीं हुआ लेकिन शौक़ तो दाद देनी बनती है कि शौक बहाल किया है लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपना काम नहीं बिगड़ने दिया। जो कुछ की खिदमत उन्होंने की मिलिट्री में वो हालांकि उनकी फैमिली में भी बड़े डॉक्टर्स थे उनको एक मसला था तो वो हल नहीं हो रहा था बल्कि तशीस ही नहीं हो रही डायग्नोज ही नहीं हो रहा था। तो लाहौर में इनके एक शागिर्द हैं नबर शनासी में इनके शागिर्द हैं तामी साहब मशहूर हैं उन्होंने बताया कि आप हमारे उस्ताद के पास चले जाएँ तो वो भी ऑफिस थे तो मैं मैंने कहा वो किधर रहते हैं उन्होंने कहा बात पतंग रहते हैं तो मैंने कहा वो तो मेरे शहर के हैं तो मैं तो उनको जानता भी हूँ कहने लगे कि उनके पास जाए अच्छा जी हम इनके पास आ गए तो ये इन्होंने नबज़ के ऊपर अपनी उंगली रखी इस तरह शायद पहले तरीका उनका इस तरह होगा फिर दूसरी रखी फिर तीसरी रखी फिर घुमाते रहे आगे पीछे करते रहे उसके बाद लेफ्ट राइट होता रहा उसके बाद उन्होंने जो जुमला उन्होंने कहा कि आपके जिस्म में फलान जगह में रग नंबर फलानी इतने अरसे से वो उसकी फलां पोजीशन फलां वजह से हुई हुई है उस वजह से आपको ये सारा मसला है। तो वो जो भाई साहब थे वो मेरी तरफ देखने लगे कि यार ये बंदा है क्या चीज है इतना बड़ा कशाफ है यानी ये राज था मेरा और मेरे खुदा का और आज ये राज इच्छा हो गया हकीम साहब के सामने उन्होंने मेरी नजर पे उंगली रखी और बता दिया तो आज से मेरा ये राज तीन बंदों के दरमियान है या खुदा है या मैं हूँ या तीसरे चावला साहब। उस दिन हमें ये इतराब हुआ कि फनकार लोग जो हैं हक भी हैं
और फन उनके साथ जिंदा है। लेकिन एक बात जरूर करता चलूँ कि अफराद जब जाते हैं तो फन साथ भी ले जाते हैं। फन को जिंदा रहना चाहिए, फनकार को भी जिंदा रहना चाहिए। तो फन और फनकार को जिंदा रखने के लिए ये ज़रूरी है कि उनका नाम और काम दोहराते रहना चाहिए। मैं जिसके साहब को और हमारे साहब और उनकी तरबियत याफ्ता सारी टीम को मुबारक हो कि पाक पत्र में जिस कदर नाम ये अब हुकमा और हिकमत का जिंदा कर रहे हैं तेब और तबीब का, वैसी कोई और शक्ल नहीं है। कहीं कोई तारीफ की रेफरेंस नहीं होते, मैं आपको बताऊँ बड़े शौके हैं, लेकिन ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इंशाल्लाह इसके मुस्बत नतायज सामने आएंगे। आखिर में शेयर के साथ कि जिंदगी रोज़ फजू है, लेकिन जिंदगी रोज़ फजू है, लेकिन आदमी है कि मरते जाते हैं। जो आदमी आदमियत के लिए काम करता है उसका चले जाना कुछ आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हकीम हबीबुल्ला रुखसत हुए, हकीम यासिन चावला साहब रुखसत हुए, हम भी रुखसत हो जाएंगे। एक एक करके सारे पत्ते सदर से टूटते जाएंगे, पिछड़ते जाएंगे और चलते जाएंगे, लेकिन वही लोग दुनिया में लोग हैं जिन्हें कहा जाए, क्रेडिट दिया जाए, इज्जत और तौकीर की जाए, ये इनका कंट्रीब्यूशन है। चावला साहब नहीं है, उनकी किताब मौजूद है, तो ये उनका कंट्रीब्यूशन है। तो हम सबको तेब और तबीब के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जाना चाहिए, ताकि जब हम इस जहान को छोड़ जाएं, इस जहान में हमारी जहन की, हमारे जिस्म की, हमारी फिक्र की, हमारी रूह की आसूदगी का कोई ना कोई सामान हमारी तरफ मंसूब चलता रहे और कल फायदा करती रहे। बहुत शुक्रिया। हर तरह की दुआ और हर फिरके में की जाने वाली दुआ, वो चाहे किसी की रिवायत के तहत है या इत्तेहाद के तहत है, अल्लाह ताला उसको मुसलमानों के अपने को बोला मंजूर करें। चूँकि जिस थॉट से मुख में एक मरतबा खाते और तीन मरतबा दिल का सवाब जो है वो दोनों हुकमा की अरवाह के लिए पढ़ता हूँ आपके खिलाफ जाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इलाही हम सब की ये दुआए मफ़रत, दुआए बुलंदी दर्जात दोनों हुकमा के अपने कबूल और मंजूर करें। यहाँ जितने हुकमा मौजूद हैं, अतिपा कराम मौजूद हैं, इन सब के बुज़ुर्गों में जितने तबीब हुए हैं, इन सब के आयज़ा में आवाब में जितने तबीब हुए हैं, ये चूँकि तिब और तबीब की खालिसतन उनके हवाले से नशिस्त है, सबकी मगफ़रत फरमा, सबकी कब्रों को तहारने का वसी फरमा, जन्नत के बागों में से पाक बना। बतकादा बशरी जिनसे जो गलती कोताही गुना सरजद हुए, जिस कदर हुए अमदन खतान कौलन फेलन माफ़ खसूसियत से हकीम हबीबुल्ला साहब जो हमारे बिरादर अकबर और सरपरस्त हकीम लुत्फुल्ला साहब के भाई और उनका भाइयों के साथ बढ़कर एक इल्मी ताल्लुक भी था, और रसूल खुदा ने जो फरमाया है कि इल्म के फैज़ का सवाब पहुँचता रहता है, हकीम हबीबुल्ला साहब को इन दोनों भाइयों के बीच जो इन्होंने इल्म के पौधे लगाए हैं, इल्म का फैज़ बढ़ाया है और जितनी भी तेब और तबीब की खिदमत की है, सब कुछ का सवाब सदके की सूरत में इनकी अरवाह में पहुँचे, इनकी कब्र मुनव्वर हो। हकीम यासिन चावला साहब हमारे बुजुर्ग थे, तबीब भी थे, उस्ताद भी थे। इन दोनों चीज़ों का जो कुछ भी उन्होंने ज़िंदगी में कार्य किया, इन दोनों कामों के हवाले से वो तेरी बारगाह में पेश हैं, कबूल और मंजूर फरमा। और बतकादा बशरी हमारे बुज़ुर्गों से, तमाम अतिपाए कराम से जो दुनिया में मौजूद हैं, जो दुनिया से रुखसत हो चुके, जो तेरी बारगाह में पेश हैं, जो कब्रों में हैं, उन सब बुज़ुर्गों से जो कुछ तेरी रजा के खिलाफ हुआ उसे माफ़ कर, और जो तेरी रजा के मुताबिक उन्होंने जो कुछ भी किया उसे कबूल कर, और उनकी औलाद को भी उनके इल्म में जानशीन बना, तिब और तबीब के जानशीनों को हकीकी जानशीन बना, और तिब और तबीब की खिदमत की तौफीक नसीब फरमा। اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.